को प्रदर्शित करता है जैसे इकाई, धाई, सैकड़ा,
1,505। फिर दूसरा अल्पविराम, इसके अगले दो अंक यानी दाएं से पांचवा अंक, तो दाएं से पांचवा लिखिए देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। ये पांच के अंक से पहले हमने को बना है। अब ये पांच पांच क्या होता है, 10,000 के स्थान के बाद आता है, वो लाखों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद आ गए। और ये तो 8 है, अब 8 में किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये लाखों को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार तीसरा अल्पविराम, अन्य दो अंक यानी दाएं से सातवां अंक, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस सातवें अंक के बाद हमने कोमा लगाने के बाद ये दो 10 लाख के स्थान के बाद आता है। किसके बाद आता है, 10 लाख के स्थान के बाद आता है। और ये किसको प्रदर्शित करता है, करोड़ों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इकाई ढाई सैकड़ा कोमा लग गया 30 नाम पर, फिर इकाई ढाई कोमा लगा दिया, फिर इकाई ढाई कोमा, यानी आपको क्या करना है, सरल तरीके समझने के लिए कोई भी आपको अंक दे रखे हो भारतीय पद्धति के द्वारा आपको अल्पविराम लगाना हो तो आपको क्या करना है, पीछे के तीन अंक गिनने हैं यानी 1, 2, 3 कोमा लगा दो। तो अब तीन अंक गिनने के बाद फिर आप हर अगले दो अंक के बाद कोमा लगाते जाइए और आपकी ये संख्या बन जाएगी। अब इस कोमा संख्या क्या बनी, 5,08,001,505। इसी तरह में एक उदाहरण और बताए, ये देखिए अगर अंक लिखे हुए हैं, अब इसमें पता नहीं कि हम कैसे बोले इसको, 7,05,400 पता नहीं। अब विराम लगाने से हम संख्या को सही तरीके से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो सबसे पहले दाएं से यानी पीछे से तीन अंक गिनते हैं, 1, 2, 3 तीन अंक गिनते यहाँ पहला कोमा लगाते हैं। अब उसके बाद दो अंक गिनते हैं, 1, 2 ये कोमा लगाते हैं, फिर 1, 2 ये कोमा लगाते हैं। अब हम बता सकते हैं देखिए 7 के बाद में कोमा आ गया, ये 27 के बाद में आ गया, ये 63 के बाद में आ गया, ये 426 हो गया। संख्या 21,25,50,000,10,000,10,00,000,01,00,000 संख्या बनी 8,27,59,400। अब आपके सवाल बनेगा, आप इस प्रकार के अंक लिखे होंगे और निकलकर दिए गए अंकों पर भारतीय पद्धति के द्वारा अल्पविरामों को करेंगे। तो आपको इसी प्रकार से अल्पविरामों का इस्तेमाल करना है। ये दो एक उदाहरण मैंने करके बताया आपको, ये दो उदाहरण तीन उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, उस समय आपको अपने नोट में अलग